दोस्तों मैं विकास कोहली यूट्यूब पे लेके आया हूँ टेनिस से रिगार्डिंग पोस्ट मैच एनालिसिस पर वीडियो। दोस्तों जो ये पोस्ट मैच एनालिसिस पर वीडियो लेके आया हूँ वो काफी तगड़े प्लेयर की वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि दोनों प्लेयर काफी अच्छा खेलते हैं ग्रास में। वो है निकी रियोस वर्सेस हुबर्ट हुर्केज। वो अलग बात है कि जो निक किरियोस जिसे मैं चाह रहा था थोड़ा फेवर कर रहा था, बट मैच मैंने बोला था प्रेडिक्शन में कि पूरा 50-50 किसी एक को भी हम नहीं बोल सकते कि कौन जीतेगा। मैं बट चाह रहा था निक किरियोस जीतेंगे, बट वैसा नहीं हुआ। निक हार गए हैं और जो जीते हैं वो हुबर्ट हुर्केज जीते हैं आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट सेट, और निक हार रहे हैं आफ्टर विनिंग द फर्स्ट सेट। काफी मैच शानदार रहा। ACC तो भरमार हो गई, धड़ाधड़ बारिश हो रही थी ACC की। 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 30 नहीं 40 नहीं पूरे 57 ACs, 57 ACs आए हैं इस मैच में, एक मैच में। कभी कभी होता है कि एक मैच में सिर्फ 5-6 ACs आते हैं, कोई ACs नहीं आता। ये 57 ACs पूरा टूर्नामेंट के लगता है ऐसे सारे 80 मैच में आ गया। काफी शानदार प्रदर्शन है दोस्तों, इसी रिगार्डिंग वीडियो लेके आया हूँ। हाल ही ओपन का ये सेमीफाइनल 2 था, जो ये जीता वो डैनियल मेडवेडेव से बीड़त करता है और जीते हैं हुबर्ट हुर्केज। दोस्तों वीडियो में बढ़ने से पहले एक बार फिर से यही बता देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लो, ताकि सारी की सारी दोस्तों आपको अपडेट्स मिल सके। वीडियो के पोस्ट में चैनल के फर्स्ट सेट की ओर बढ़े, तो काफी शानदार प्रदर्शन किया शुरू में। हुबर्ट ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसे हुबे भी बोलते हैं, और निक ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। 1-1 सर्विस गेम, 2-2, 3-3, 4-4 सर्विस गेम था तो बराबर रहा। उसके बाद निक ने हुबर्ट हुर्केज की जैसे ब्रेक पॉइंट मिला, ब्रेक पॉइंट पे सर्विस ब्रेक की 5-4 से, और अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, 6-4 से पहला सेट जीता। अब लग रहा था कि निक पहला सेट जीत गया, जीत सकते हैं मैच, बट हुबर्ट हुर्केज भी हार मानने वाले प्लेयर नहीं है और शानदार प्रदर्शन करते रहे पहला सेट हारने के बावजूद भी, और निक भी अपनी सर्विस गेम पे अच्छी होल्ड करते रहे। 1-1 सर्विस गेम हुआ, 2-2 सर्विस गेम हुआ, इसी तरह चलता रहा। 6-6 सर्विस गेम तक हो गया, कोई भी किसी की सर्व ब्रेक नहीं कर पाया। सेकंड सेट में जब आया टाई ब्रेकर में शानदार परफॉर्मेंस कर दी हुबर्ट हुर्केज ने। 8 नहीं 2 नहीं 4 सेट पॉइंट्स पर आ गए थे और 7-2 से उन्होंने सेकंड सेट जीता। टाई ब्रेकर का स्कोर और सेट का स्कोर 7-6, अब मैच हो गया बिल्कुल बराबर, क्योंकि दोनों 8-8 मैच जीत चुके, मैच का मतलब 8-8 सेट जीत चुके। अब हुबर्ट हुर्केज चाहेंगे कि वो जीते और फिनाले में वो प्रवेश करे। अब दूसरी ओर जो जो उनके ओपोनेंट है निक चाहेंगे कि वो जीते और वो फिनाले में प्रवेश करे, क्योंकि अभी तक द्रास को कोई भी फिनाले में नहीं पहुंचा था, ना हुबर्ट पहुंचे थे ना निक पहुंचे थे, और दोनों की ये फेवरेट पिच है, फेवरेट कोर्ट है। अब ग्रास कोर्ट में मैं जो चाह रहा था वो निक पहुंचे, बट हुबर्ट ने शानदार प्रदर्शन किया। जो हुबर्ट है वो भी ग्रास कोर्ट स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, पिछली बार उन्होंने रॉजर फेडरर को बेडल किया था, और जो जिनका वो फेवरेट टूर्नामेंट है विंबलडन में क्वार्टर फाइनल 2021 में, तो उसके बाद रॉजर फेडरर खेले भी नहीं है। तो देखा जाए हुबर्ट हुर्केज अपने पहले फिनाले में पहुंच गया, बट निक को फिर से थोड़ी देर रुकना पड़ेगा फिनाले में पहुंचने के लिए, क्योंकि वो इस बार हार गए। पिछली बार भी सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, लगातार 3 टूर्नामेंट में प्ले किया है, तीनों बार सेमीफाइनल में पहुंचा है, तो ये वाला साल काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। शुरू में ये ऑस्ट्रेलियन ओपन के डबल्स में फिनाले भी जीता था कोकिन से के साथ, तो शानदार प्रदर्शन किया है 2022 में। अब वो निक चाहेंगे कि थोड़ा और अच्छा प्रदर्शन हो और ग्रास कोर्ट में अच्छा प्रदर्शन करे। अब थर्ड सेट की ओर बढ़े तो थर्ड सेट में भी अच्छा रहा, ये इसमें भी कोई किसी सर्व नहीं ब्रेक कर पाया। 1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 रहा, उसके बाद फाइनली सर्विस गेम ब्रेक नहीं हो पाई तो आ गया टाई ब्रेकर। जब टाई ब्रेकर आया तो इस बार भी हुबर्ट हुर्केज ने शानदार प्रदर्शन किया और 7-4 से टाई ब्रेकर जीता। अब दोनों टाई ब्रेकर जीत लिए, और जो निक थे निक टाई ब्रेकर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं हासिल कर पाए, और हुबर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हासिल कर पाए, और पहला सेट हारने के बावजूद भी दूसरा तीसरा सेट जीत गए। अगर स्टैट्स की ओर बात करूँ तो क्या एसीज लिए, दिमाग की दही हो रही है एकदम। देखा जाए तो 30 ACs लिए निक किरियोस ने और 27 ACs लिए हैं हुबर्ट हुर्केज ने, तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। डबल फॉल्ट हुए हैं ज़रूर, 5 डबल फॉल्ट हुए थे निक के, और दूसरी ओर 80 डबल फॉल्ट हुआ है। देखा जाए ये मैच कम से कम चलना चाहिए था 3 घंटे चलना चाहिए था, बट एसीज 57 ACs आए हैं, तो देखा जाए 57 पॉइंट्स विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो गए, 57 सेकंड में ही 57 पॉइंट्स हो गए, तो इसलिए ज़्यादा लंबा मैच नहीं चला, तो 2 घंटे 4 मिनट ही मैच चला। ब्रेक पॉइंट्स पर नज़र डाले तो 2 ब्रेक पॉइंट्स आए, दोनों ब्रेक पॉइंट निक ने सेव किए, और जो हुबर्ट हुर्केज है वो ब्रेक पॉइंट्स कोई भी कन्वर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि निक ने दोनों सेव कर लिए। 1 आउट ऑफ 2 रहा
स्टोर हुबर्ट था। हुबर्ट के पास, हुबर्ट ने दो ब्रेक पॉइंट्स दिए जो निक केरियोस ने प्रोड्यूस किए थे अच्छा टेनिस खेल के, उसमें से वो एक को ही कन्वर्ट कर पाए निक, और एक ब्रेक पॉइंट हुबर्ट ने सेव कर लिया। तो देखा जाए प्रदर्शन शानदार दोनों खिलाड़ियों ने किया, बट इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पे टाई ब्रेकर में अच्छा मैच खेला हुबर्ट हुरकैश ने और निक को हरा दी, मात दे दी। पिछली बार भी वो सेमीफाइनल में बाहर हो गए थे, इस बार भी सेमीफाइनल में बाहर हो गए थे। निक चाहेंगे कि नेक्स्ट टूर्नामेंट जो भी खेलेंगे वो फाइनल तक जाएं और फाइनल भी जीतें। दोस्तों थोड़े स्टैट्स एक और बता दूं कि अभी तक जो हुबर्ट हुरकैश कभी भी फाइनल नहीं हारे हैं, 4-0 फाइनल का, 4 ATP टाइटल जीते हैं और चारों बार फिनाले हमेशा जीते हैं। ये पहला द्रास टूर का उनका फिनाले होगा और उनका मैच होगा मेडवेडेव के साथ। साथ में एक और खबर है कि बैरेटिनी जो है वो आउट ऑफ टॉप 10 हो जाएंगे, क्योंकि हुबर्ट हुरकैश का भी शानदार प्रदर्शन रहा है और जो बैरेटिनी है वो पॉइंट्स भी सेव कर रहा है। एक और खास बात है दोस्तों, बहुत सारी खास बात है, एक खास बात ये है कि जो निक किरगियोस है वो सीडेड नहीं हो पाएंगे। उनको एक जीत चाहिए थी विंबलडन में सीडेड प्लेयर होने के लिए, बट वो नहीं जीत पाए, वो सीडेड प्लेयर नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए उनका किसके साथ पहला मैच होता है, तो ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ढेर सारा प्यार देते रहो दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।